अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान में एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना में कार में सवार दो युवकों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीसरा युवक मामूली रूप से जख्मी हो गया है। मैदान में कार सीखने के दौरान कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई है। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के नुरहता गांव की है। मृतकों की पहचान लकड़ी दरगाह के विक्रमा चौधरी के पुत्र राजू चौधरी और रमा शंकर साह के पुत्र पप्पू साह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक कार में सवार होकर तालाब के पास मैदान में कार चलाना सीखने गए हुए थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पानी भरे तालाब में जा गिरी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से कार को बाहर निकाला गया। इस दौरान कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीसरे युवक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जो कि मामूली रूप से घायल हो गया है। शव के गांव में पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। देखिए, बड़हरिया थाना क्षेत्र के नुराहता गांव की घटना है, जहां गाड़ी सीखने के दरमियान में गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण पानी पोखरा में डूब जाने से दो युवक का मृत्यु हो गई। एक युवक जो गाड़ी सीख रहा था, वो किसी तरह अपना जान बचाने में कामयाबी हासिल हुआ। निश्चित तौर पर ही दर्दनाक घटना है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस घटना में दो व्यक्ति है, जो राजीव चौधरी है, एक पप्पू शाह है, और दोनों व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार के हैं। और नियम है सरकार की कि कोई भी व्यक्ति अगर पानी में डूबने से मृत्यु होता है तो उसको 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से मिलता है। और मैं जिला पदाधिकारी से मांग करूँगा कि इस परिवार बहुत निर्धन है, इनको इंदिरा आवास के तहत एक मकान दोनों परिवार को मिलना चाहिए, और जो मृत व्यक्ति है आपदा के तहत 4-4 लाख रुपया इस परिवार को अविलंब मिलना चाहिए। यही हमारा सरकार और प्रशासन।